जेके क्राइम वॉच आप सभी दे रहे थे और आपको बताते चले जो आज ड्राइव शुरू किया गया है, ये ड्राइव जो आपको हम आप तक ये न्यूज साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, आज से चंद दिन पहले या फिर एक महीने की बात करें, दो महीने की बात करें, जो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था उस निर्णय को नकारा छापड़ी फरोशों ने। आज बिल आखिर जिला प्रशासन ने एक टीम रवाना की जिसमें रिवेन्यू डिपार्टमेंट, महकमे म्युनिसिपल कौंसिल कुपवाड़ा और ऑल ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट श्रीमान मीर मोहम्मद शफी भी मौजूद थे। बिलाकर आज छापड़ी फरोशों को यह इत्तला दी गई कि कल से कोई भी छापड़ी फरोश बस स्टैंड के बीच नहीं दिखेगा और उनको उसी जगह पर जाना है जहां पर उनको जिला प्रशासन की तरफ से जगह दी गई है। बिलाकर नायब तहसीलदार कुपवाड़ा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। अब बने रहे जेके क्राइम वॉच न्यूज के साथ में सागर रफीक कुपवाड़ा से। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां पब्लिक तक बात पहुंचाने की मुझे दावत दी। जहां तक मेरी इल्मियत है कि आज तक हमने तकरीबन 5-7 बार तमाम छापड़ी फरोशों ने और फरोशी से ये गुजारिश की कि इनके लिए एक स्पेशल जगह मैडम की डायरेक्शन पे यहां पे एक स्पेशल जगह तैनात हुई है वहां, जिसकी अगर इस टाइम मार्केट वैल्यू देखी जाए तो अरबों रुपये की मार्केट वैल्यू है इनकी। तो इन स्टेट वेंडर्स को, छापड़ी फरोशों को, इन सभी को हाँ डीसी मैडम की डायरेक्शन पे हमने कई बार बोला कि आपके लिए वो मखसूस जगह है, आप वहाँ पे जाके अपना कारोबार शुरू करें। इससे पहले भी 4 दिन पहले हमने एक ड्राइव किया तो अंदर वहाँ पर रेलवे लिए तो उन्होंने रेलों को दूसरे दिन बिल्कुल खाली मतलब रखा है वहाँ पे, तो उन्होंने फिर से बाजार में ये रेड़े चलाने शुरू कर दिए जिससे यहाँ मार्केट में काफी दुश्वारी उठानी पड़ती है, लोगों को चलने फिरने में जबरदस्त दुश्वारी आती है। तो हमने इनके लिए एक स्पेशल जगह रखी है, तो अगर ये समझदार लोग होंगे तो मुझे लगता है ये इनके फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी जगह है। नो डाउट 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग सकता है मार्केट बनाने में, तो जब अंदर ही सब कुछ मिलेगा तो मुझे लगता है कि लोगों का रोजगार उस तरह बढ़ जाएगा और इनके कारोबार में रोज बरोज बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ जो जगह हमने इस टाइम ली है डीसी मैडम की डायरेक्शन पे, तो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन है फिलहाल फर्स्ट स्टेज में वो भी अंदर नहीं आई, इनको हमने एक दिन अंदर लिया तो दूसरे दिन उन्होंने वहां पे खाली रेड़े रखे तो बाहर आए। तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन लोगों की ये रजिस्ट्रेशन किया है तो इनको छोड़ के जो भी अनरजिस्टर्ड हो गए उनके लिए एक नई जगह मुंतखब करेंगे हमारे डीसी मैम, तो इनके लिए कोई और जगह मखसूस जगह उनके लिए रखेंगे। तो यहाँ पे लेकिन बदकिस्मती है ना रजिस्ट्रेशन वाले ना अनरजिस्टर्ड लोग अंदर आते हैं, जिनको हम कल से, मुझे लगता है अगर डीसी मैम ने डायरेक्शन कल से ही दी तो जिनको हम मजबूर हो जाएंगे फिर अंदर लेने के लिए, शायद उसमें उनके रेडों का नुकसान भी हो जाए जो कि बेहतर नहीं लग रहता। इसलिए हमने एक एक को जाके रिक्वेस्ट की कि आप अंदर जाइए आराम से और आराम से अपना कारोबार शुरू करें। अगर डायरेक्शन हायर ऑफिस की तरफ से आएगा तो इसको हम अमलाने के लिए कल से करें। देखिए ये डीसी मैम ने हमें एश्योरेंस दिया था और म्युनिसिपल काउंसिल के जो हमारे सीईओ है उन्होंने हमें बताया था कि हम इस दिन ड्राइव करें और इनको लास्ट वार्निंग दे रहे कि वो बस स्टैंड खाली करें और जो वेंडर्स के लिए जगह दी गई है वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। तो आज वो हुआ, नायब तहसीलदार हमारे थे, म्युनिसिपल काउंसिल के मुलाजमीन थे, साथ में अपने डीओ कुपवाड़ा थे और बाकी जितने भी ट्रेड या ट्रांसपोर्ट थे सब साथ थे और वेंडर्स को भी समझाया गया कि आप अपनी जगह लीजिए, आपके लिए जगह देखी गई है और उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया आपके लिए तो आप वहाँ शिफ्ट कीजिए। तो लास्ट वार्निंग देने के बाद उनको बताया गया कि अगर कल से कोई है तो उसके खिलाफ फिर वो एक्शन करेंगे। तो जहाँ तक सवाल है वेंडर्स का तो वो नहीं मान रहे थे लेकिन कल से देखा जाएगा क्या करेंगे वो लोग। देखिए जगह है बस स्टैंड में आपने देख रहे हो कि जो शॉपकीपर्स है उन्होंने भी ऑक्यूपाई किया बस स्टैंड, जो वेंडर्स है तो ऑलरेडी उन्होंने भी किया है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आके यहाँ बैठे हैं। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए जगह देनी थी ताकि बस स्टैंड खाली हो, बस स्टैंड में लोगों को चलने के लिए जगह मिले और खासकर जो गंदगी इसकी वजह से पड़ती है वो भी कम हो जाए। और क्योंकि बस स्टैंड फेस होता है डिस्ट्रिक्ट का और बस स्टैंड जितना अच्छा हो उतना
जो बाहर से लोग आते हैं उतना उन पर भी प्रभाव पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट अच्छा है। तो यही कोशिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि ये ठीक साफ रखा जाए, तो हमारी कोशिश भी रहेगी, हम उनका साथ देंगे हर लिहाज पे। साथ साथ वेंडर से भी अपील करते हैं अगर उनको जगह दी गई है तो वहाँ शिफ्ट किया जाए।